नो स्कूल नो फीस का नारा एक बार फिर से गूंजा। फिर से उठे स्कूल प्रशासन पर कई सवाल। स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों ने जताया विरोध। जी हां, एक बार फिर से स्कूल प्रशासन के खिलाफ कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक बार फिर से स्कूल फीस देने को लेकर अभिभावकों ने विरोध जताया है, लेकिन इस बार ये स्कूल है बेनियापुकुर महादेवी बिरला एकेडमी। पिछले 3 दिनों से लगातार उक्त स्कूल के बाहर अभिभावक पूरी स्कूल फीस देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरे दिन अभिभावकों ने नो स्कूल नो फीस स्लोगन के तहत स्कूल प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। सभी अभिभावकों की बस एक ही मांग थी कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कोई भी अभिभावक पूर्ण स्कूल फीस देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में स्कूल अधिकारी को स्कूल फीस लेने में कटौती करनी चाहिए। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल प्रशासन छात्रों को जिन चीजों की सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहा है, केवल छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन ही दिया जा रहा है। ऐसे में केवल स्कूल प्रशासन को ट्यूशन फीस ही लेनी चाहिए। जैसा कि अभी इस महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, इस समय स्कूल को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्कूल जो एनुअल फीस है, लाइक क्रीड़ा कुल की, प्रोजेक्ट की, असेसमेंट की, सेशन की, ये सब रद्द होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के मार सभी झेल रहे हैं। सभी देशवासी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए स्कूल प्रशासन को उनकी आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने पूरी स्कूल फीस न देने को लेकर अपनी अपनी बात रखी। हम 15 साल तक अपने बच्चे को आपके पास रखते हैं, 15 साल आपको देखते हैं। ये एक साल ऐसा है कि आप उन्हें सबको मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इस साल हमें नहीं देखेंगे तो क्या पता हम रह पाएंगे कि भी नहीं रह पाएंगे आपको बाकी टाइम देखने के लिए। ये आपको उसको सोचना पड़ेगा। तो वही अन्य अभिभावक ने बताया कि स्कूल प्रशासन उनकी मजबूरी समझकर भी अनदेखा कर रहा है। लॉकडाउन के चलते उन्हें ठीक से सही समय पर सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में वे पूरा स्कूल फीस कैसे दे सकते हैं। तो किसी अभिभावक ने ये कहा कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने की वजह से छात्रों को ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई समझने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में स्कूल से कई सुविधाएं न मिलने के बावजूद स्कूल उनसे कंप्यूटर फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस जैसे कई अतिरिक्त फीस की मांग कर रही है। तो थोड़ी सी गंभीरता से लेने वाली बात है, लेकिन आप अभी भी इसमें प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम से चलने वाले व्हिच इज नॉट डन। देश भर में जगह जगह स्कूलों के बाहर अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी स्कूल प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे में यह देखना होगा कि स्कूल प्रशासन आखिर कब तक अभिभावकों के मजबूरी को अनदेखा करते हुए अपनी आँखों में पट्टी बांधे रहती है। लैक टीवी के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।